तैयार हो ले, फटाफट से नहा ले बेटे, कुछ काम कर लो। पर ये कहानी यहाँ स्टार्ट नहीं होती है। इसकी स्टार्टिंग के लिए आपको मेरे साथ बहुत पीछे तक चलना होगा। अरे थोड़ा सा और पीछे चलेगा, बस 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 नहीं रुक। तो बात ऐसी है कि मैं अपने एग्जाम्स दे रहा था बीकॉम ऑनर्स के फाइनल सेमेस्टर के, और तभी मुझे एक ख्याल आया कि क्यों ना एक शूट किया जाए, क्योंकि बहुत दिनों से मैंने अपने कैमरे के साथ गुफ्तगु भी तो नहीं की थी, वो करने भी तो बहुत ज़रूरी है। तो मैं एग्ज़ाम को लिखते हुए ही बीच में सोचने लगा कि क्या शूट किया जा सकता है। फिर एक ख्याल आया, क्यों ना रेट्रो थीम पर शूट किया जाए। पर एक ख्याल को ख्याल से हटा के हकीकत में बदलने तक का सफ़र बहुत लंबा होता है मेरे दोस्त। तो फिर क्या था, मैं हर समय उस ख्याल के बारे में सोचने लगा। मैं पानी भरता तो उसके बारे में सोचता, या फिर पानी पीते हुए वो, मेरे को बस यही ख्याल आ रहा था। मैं कुछ खाता तो उसके बारे में सोचता, यहाँ तक कि नहाते हुए मैं यही सोच रहा। पर मैंने हर तरह से अपने ख्याल को पूरा करने का सोच लिया था। फिर एक दिन रात को सोने से पहले एक स्क्रिप्ट दिमाग में आई, और सुबह तक का इंतज़ार ना हो सका मुझसे, इसलिए मैंने तुरंत ही अपना मोबाइल निकाला, रिकॉर्डर ऑन किया और स्क्रिप्ट को बोल डाला। पर सुबह उठते ही मैंने जब वो स्क्रिप्ट देखी तो मुझे वो भी पसंद आई। फिर मैंने सोचा कि क्यों ना कुछ बैठ के स्क्रिप्ट्स लिखी जाएं। पर ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहा, मेरे दिमाग में स्क्रिप्ट आती मैं लिखता, और मुझे पसंद नहीं आती। फिर एक दिन तो फिर भैया हमने सोचा कि अपनी मॉडल साहिबा से कुछ बात करके डिस्कस करके कुछ राय ले ली जाए, पर वो भी ना दे पाए, उन्होंने कुछ ऐसा कह दिया। तो लिख स्क्रिप्ट, मैं बता दूंगी कि अच्छी है कि नहीं। तो ये सिलसिला फिर ऐसे ही चलता रहा। मैं कुछ भी सोचता, खाता पीता, नहाता उठता बैठता, ख्याल को हकीकत में कैसे बदलना है, बस यही सारा दिन मेरे दिमाग में चलता। फिर धीरे धीरे मैंने अपनी स्क्रिप्ट, अपने आइडियाज़ को एक फाइनल जगह पर डालना शुरू किया। और फिर एक दिन सुबह सुबह उठ के मैं छत पे जब टहल रहा था तो कुछ ऐसा हुआ। तो गुड मॉर्निंग, और अभी सुबह के बज रहे हैं 7, और ऐसे ही छत पे घूम रहे थे, और घूमते घूमते ही फिर एक आइडिया आया थीम के रिलेटेड, तो स्क्रिप्ट उसके अब जाकर नीचे लिखी जाएगी। और बाय द वे आज मेरा लास्ट एग्ज़ाम भी है, उसके बाद हम ग्रेजुएट भी हो जाए, बस यही अपडेट देना था एक छोटा सा। तो स्क्रिप्ट लिख के मिलते हैं फिर। तो फिर क्या था, मैं नीचे आया, लैपटॉप खोला, आइडियाज़ को अपने स्क्रिप्ट में कन्वर्ट करने के लिए लिखना शुरू किया, और एक फाइनल स्क्रिप्ट तैयार हो गई। हेलो जी, कैसे हैं आप लोग? तो पिछले दिनों से कहाँ था मैं, इतने दिनों से वीडियो भी नहीं आ रही थी, व्हाट्सएप पे भी बहुत मैसेजेस आए, इंस्टाग्राम पे भी मैसेजेस आ रहे थे, तो उसी को जवाब देने के लिए ये रिकॉर्ड हो रहा है अब। और दूसरी बात ये है कि दो रीज़न हैं इसके पीछे। एक तो मेरे एग्ज़ाम चल रहे थे फाइनल, वो तो कल ख़त्म हो गए, पर एक होता है ना, माइंड में बन जाता है कि मेरे एग्ज़ाम चल रहे हैं इसलिए मैं वीडियो नहीं बना रहा, जो वो इसलिए वर्ड है ना, वो दिमाग को पकड़ के बैठा हुआ था। ऐसा नहीं है टाइम नहीं है, बहुत टाइम मिलता है, बन सकती है आराम से वीडियो, सब हो सकता है आराम से, पर वो जो हम इसलिए पकड़ देते हैं ना ज़िंदगी में, वो इसलिए, शायद, मे बी, ये 3 खतरनाक वर्ड है, इनके पीछे सब कुछ ख़राब हो सकता है। और दूसरी बात जो सबसे बड़ी ये है कि हम परफेक्शन के पीछे जो भागने लगते हैं,
मेरे साथ पिछले दिनों में ये बहुत ज़्यादा रहता है। आई वॉज जस्ट एमिंग फॉर द परफेक्शन, पर मैं ये भूल गया था कि करते करते कोई चीज़ आती है और इम्परफेक्शन के बाद ही कोई परफेक्ट चीज़ हो सकती है। तो बस यही चीज़ थी कि मैं परफेक्शन के पीछे कुछ ज़्यादा ही पागल सा हो गया था। मैं बस कोई भी चीज़ ले रहा हूँ, मैं कोई भी स्क्रिप्ट लिख रहा हूँ, कुछ भी शॉट ले रहा हूँ, तो मेरे को लगता था नहीं अच्छा नहीं है, कुछ और कुछ और कुछ और, जबकि ये नहीं पता कि जो कर रहा हूँ वो सही है, अभी के लिए सही है, इस लेवल के लिए सही है। धीरे धीरे परफेक्शन बिल्ड होता है, एक दिन में नहीं कोई परफेक्ट बना है, एक दिन में ना कोई बन सकता है। तो इसलिए वही बात है, अपनी इम्परफेक्शंस को छुपाने के बजाय उनको पब्लिश करना भी एक बहुत बड़ी बात है। और दूसरी बात जो फिर सबसे बड़ी मेरे को लगी वो ये थी कि अपनी इम्परफेक्शंस के अंदर से परफेक्ट चीज़ें निकालना, वो भी एक अपने आप में एक खूबी, एक कला या एक आर्ट, कुछ भी कह सकते हैं। और दूसरा क्या है ना, जो कंटेंट क्रिएटर होता है वो इतना कंटेंट कंज्यूम कर लेता है दिन में, यूट्यूब है, गूगल है, हर जगह से कंटेंट कंज्यूम कर लिया। अब आपने तो देखा नहीं, वो बंदा 10 साल से कंटेंट बना रहा है, आप 2 साल से बने बना रहे हो, आपको 1 साल हुआ है, आपको 3 साल हुआ है। आप अपने आप को उस लेवल पे सोचने लगते हो कि यार ये ऐसा बना रहा है, मैं ऐसा बना रहा हूँ, फिर वो कहीं ना कहीं पे आपका कंटेंट ब्लॉकेज हो जाता है या क्रिएटिविटी का ब्लॉकेज हो जाता है, कुछ भी आप उसको नाम दे लीजिए। ये सब चीज़ें चल रही थी, एम्बुलेंस का शोर हो रहा है। तो आप उसको कुछ भी नाम दे सकते हैं, वही बात है। और फिर एक और चीज़ ये है कि अपनी इम्परफेक्शंस को हटा के परफेक्ट होना, इसमें टाइम लगता है, और जो कि डेली रेगुलर बेसिस पे ही आप कर सकते हैं। तो इसके पीछे बस दो ही चीज़ें हैं, परसिवरेंस और डिटर्मिनेशन। करते रहिए और चलता रहेगा सब कुछ से। Thanks.